हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृति रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं छत पे आई हूँ, देख सकते हैं, और मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं खुद बनाई हूँ। तो आलू होता है ना, उसको आलू को पीसेस में काट के उसको बॉयल की हूँ और अब उसको उसी को धूप में देने आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ क्योंकि उतना सारा रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाई थी, सारा अकेले करने में मेरे से नहीं हो पाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टैंड वगैरह नहीं है ना, इस वजह से। तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, इसको मैं बॉईल करके रख ली हूँ और कैसे इसको फैलाना है वो भी मैं दिखाती हूँ। ब्लॉग पे बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइए। और आप लोग इसको एक बार बनाएंगे तो एक साल तक खा सकते हैं। ऐसा दाल चावल के साथ नहीं, भी कुछ सब्ज़ी है तो इसको फ्राई करके आप छान के दाल चावल भुजिया कुछ भी दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं। जब कुछ नहीं रहता है घर में तो ऐसे भी इसको नाश्ता कर सकते हैं। मन होता है ना कुछ शाम को चटपटा खाने का, तो ऐसे आप लोग क्रंची लगता है तो बना के खा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए आपको दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। इस तरह से सारा कट कर ली हूँ, सारा बहुत सारा कट की हूँ, ये 10 kg आलू है। इसको कट करके और सारा को बॉईल कर चुकी, इसमें नमक भी डाली हूँ। नमक बहुत लोग इसमें ये मिर्ची पाउडर होता है ना लाल वाला, वो भी डालते हैं, लेकिन वो हार्मफुल होता है। इस वजह से बच्चे लोग भी खाएंगे ना और बड़े लोग को भी, सबको लाल मिर्च तो अलाउड नहीं रहता खाने का, और ऐसे भी खाने का जो हार्मफुल चीज़ रहता है उसको नहीं। तो मैं इसमें नमक डालूँ, आपका अगर ये मन है कि तीखा भी थोड़ा होना चाहिए तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ नमक डाली हूँ और फ्राई सॉरी उबाल ली हूँ। बॉईल करने के बाद अब मैं चाहिए हूँ छत, उसके बाद सारा छत भी मैं साफ़ क्यों नीचे मत देना ना, नहीं तो फिर कचकच जैसा करता है ना, बालू आ जाएगा। तो एक कपड़ा मैं फैलाई हूँ, देख सकते हैं कितना लंबा, यहाँ से वहाँ तक पूरा। उसके ऊपर एक एक पीस उठा के डालते जाना है और ये जब सूख जाए तो फिर शाम को उठा लेना है। शाम तक सूख जाएगा, फिर भी एक फिर से धूप में, जब सूखने के बाद भी एक बार धूप में दे देंगे। कल भी आज सूख जाएगा पूरा, फिर भी कल थोड़ा सा कुछ में छोटा बर्तन में डाल के आप धूप में रख सकते हैं। ऐसे अगर ये सूख गया तो फिर इसको डब्बा में डाल के रख दीजिए। और मैं एक एक करके फैलाती जा रही हूँ, इसी तरह से सारा को फैलाना है। और धूप बहुत ज़ोर से, लेकिन इसमें मेहनत तो मत ही पूछो। मैं सुबह से 6:30 बजे से लगी हुई हूँ इसके पीछे, अभी बज गया 8:30। बर्तन भी बहुत सारा हो गया था गंदा, और अकेले पे सारा कुछ करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अभी मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ करने का। इसको अब कब तक मैं इतना सलाऊँगी वो मुझे भी पता नहीं। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, जब मेरा सारा फैल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और वो हल्के से ऐसा नहीं कि टूट भी जाता है ये बहुत सारा, तो इसको बहुत सावधानी से करना, नहीं तो पूरा टूट जाएगा। आप लोग ध्यान से जब भी बनाइएगा तो, और फिर मैं ब्लॉग पे बने रहिएगा, जब हो जाता है फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये दवा आने के लिए दे दें क्योंकि हवा चलेगा तो नहीं जाएगा इसी वजह से। और इसमें कलर भी देता है, ब्लू हरा जो कलर जिसको मर्जी होता है, लेकिन मैं बिना कलर के, क्योंकि कलर तो हार्मफुल होता है, इस वजह से कलर नहीं डाल, लेकिन बहुत लोग कलर भी डालते हैं। और ये मैं अभी छत पे हूँ, देख सकते हैं इधर का सारा हरा हरा नज़ारा चारों साइड से, इधर में नहीं दिखेगा उतना हरियाली, दूर दूर तक में है हरियाली, ऐसी बात की नहीं, लेकिन बहुत दूर इधर में, लेकिन नज़दीक में है। तो अब मैं शाम को उठाने आऊँगी, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, दिखाऊँगी मैं शाम को अब उठाने आऊँगी इसको। बहुत ज़्यादा धूप हो चुका है, धूप से लगता है एकदम से जल जाएगा शरीर पूरा, बहुत ज़्यादा धूप है। इतनी मेहनत 6:30 बजे से लगे लगे 9:30 बजे तक में इतना काम हुआ, 6:30 और थोड़ा सा ये आके फैला दिए तब हो गया इतना जल्दी, नहीं तब तो अभी होता भी नहीं। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी साथ में मैं बोली तो वो थोड़ा फैला दी, क्योंकि उनसे नहीं होता ये सब, तो फिर भी मेरे लिए थोड़ा किए कोशिश किए, क्योंकि वो तोड़ ही दे रहे थे सारा उठाने में। मैं बोली आप रहने दो, फिर भी वो बहुत सारा कर दिए, उसके बाद वो चले, मैं बोली आप जाओ मैं कर लूँगी। तो मैं शाम को आपको दिखाती हूँ सूखने के बाद आपसे, बाय। तब तक के लिए ऐसे
पे आई हूँ, इतना अंधेरा हो गया चारों साइड से, और मेरा सारा चिप्स उठा के मैं टोकरी में डाल ली हूँ, अंधेरा में तो दिखेगा ही नहीं। ये मेरा टोकरी जब नीचे डालूँगी लाइट में फिर दिखाऊँगी। ये इतना सुंदर नज़ारा देख सकते, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा ये लालिमा वाला। अब मैं नीचे जाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक तारा चिप्स उठा के लेके चला हूँ, क्योंकि एक एक उखाड़ने में अंधेरा हो गया था, उसको एक एक करके उठाना पड़ा, वो चिपक जाता है ना, तो ये इसको उठा के लाई हूँ। ये इसको छान सकते हैं, बहुत अच्छे से दबाएंगे तो टूट जाएगा, इसलिए नहीं दबा कर दिखाऊँगे। इतना सारा मैंने बनाई हूँ, आप लोग भी बनाइए और खाइए, इन्जॉय कीजिए। आप लोग भी अपने घर में, मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि जब धुआं एकदम अंधेरा हो चुका था, फिर भी मेरा पसीना पसीना हो गया था क्योंकि छत पे, और मैं सारा पूरा कपड़ा फैला हुआ था, तो उसको एक एक करके उखाड़ उसको उठाना, बहुत आराम आराम से उठाना पड़ा क्योंकि टूट जाने का डर था ना, आवाज़ आपको सुना रहा होगा। तो ये पूरा ये हो चुका था, तो इसको एक एक करके उठाने में बहुत टाइम लग गया मेरा, एक घंटा पक्का लगा इसको उठाने में। एक एक जैसे एक एक करके फैलाई थी वैसे ही एक एक करके उठाई हूँ। फिर इसको थोड़ा सा एक दो जैसे कच्चा रह गया जो मोटा थोड़ा था ना, ये जैसे साइड वाला होता है तो ये थोड़ा हल्का कच्चा, जैसे ये देखिए ये हल्का कच्चा जैसा रह गया था, ये क्योंकि मोटा था वो साइड वाला, और ये सब देखिए एकदम पतला जैसा सूख चुका है। फिर से कल इसको धूप में दूँगी और अच्छे से सूख जाएगा। तो फिर कल इतना मेहनत नहीं, कल जाके ऐसे कुछ पे दे देना है, उसका कल फिर उठाने में भी आसान उठा देना है। लेकिन आज बहुत गैस मेहनत था बहुत। आप लोग लेकिन बना के एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। ऐसे भी चाय बनाए हैं तो शाम को नहीं कुछ नाश्ता, तो चाय के साथ खा सकते हैं, आपका मर्जी। तब तक बाय बाय, आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, इतनी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। बाय बाय।